ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 23 कर रहे थे सर्कुलर मोशन, और इसका क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 कितने लोगों को डाउट है प्लीज हाथ खड़ा करो। मैंने बताया था, हिंट दिया था शायद इसका। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 कितने लोगों को डाउट है प्लीज हाथ खड़ा करो। 12th हो गया, 12 ठीक है, हो गया था। कितने लोगों ने ट्राई किया? 12th हो गया, समझ में आ गया था 12th कैसे करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 कितने लोगों को डाउट है हाथ खड़ा करो। 13 क्लियर, 13th के अंदर आपको क्या गिवन है कि दी फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, राइट। ऐसा क्वेश्चन मिलता जुलता हमने किया था कि एक ट्रैक है और एक ट्रैक पे आपने एक किसी भी बॉडी को रिलीज किया, आप ये चाहते हो कि ये बॉडी नीचे आए और एक लूप कंप्लीट कर दे। तो एक लूप का मतलब मिनिमम वेलोसिटी, कम से कम वेलोसिटी यहां पर क्या होनी चाहिए? अंडर रूट ऑफ 5 RG। कम से कम वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 5 RG होनी चाहिए, तभी एक चक्कर कंप्लीट होगा, राइट। क्लियर है यहां तक? तो अब इस केस में यहां पर और यहां पर याद है हमने किया था सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक की वैल्यू क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट। तो देखो पोटेंशियल यहां पर क्या है? mgh। काइनेटिक बोलो यहां पर क्या होगी? जीरो। और यहां पर काइनेटिक क्या होगी? हाफ mv स्क्वायर, और v की जगह क्या पुट करेंगे? अंडर रूट ऑफ 5 RG, और पोटेंशियल क्या हो जाएगी यहां पर? जीरो। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्लियर है यहां तक? तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, स्क्वेयरिंग करो, H और R का रिलेशन आएगा, R की वैल्यू H की फॉर्म में आएगी, और H आपको गिवन है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, 5 अपॉन 2.52 सेंटीमीटर आपके पास फाइनल आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये क्वेश्चन कुछ नहीं है एनर्जी कंजर्वेशन का, टॉप मोस्ट पॉइंट पे और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी का सम क्या रहेगा? सेम। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट है। ओके, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स इन अ वर्टिकल प्लेन। जो सिंपल पेंडुलम है वो वर्टिकल प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक, पहली स्टेटमेंट है। व्हेन इट पासेस द मीन पोजीशन, एक पेंडुलम की जो मीन पोजीशन होती है वो क्या होती है? एक पेंडुलम की मीन पोजीशन ये होती है, ये इसकी मीन पोजीशन है, और ये इसकी कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम पोजीशन है। तो पेंडुलम का मूव करना इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन, एंड इसका सेंटर क्या माना जाएगा? ये सेंटर है। इस सेंटर सी को सेंटर मानते हुए पेंडुलम सर्कुलर मोशन में अपनी जर्नी कंप्लीट करने की कोशिश करता है, ठीक है यहां तक? उसने कहा कि जो व्हेन इट पासेज द मीन पोजीशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 3 times वेट ऑफ द पेंडुलम। तो इसका वेट कितना है यहां पर? mg। और सबको पता है कि टेंशन इस पॉइंट पर हमेशा क्या हो जाती है? मैक्सिमम, टी मैक्स। क्लियर है? तो टेंशन यहां पर किसके इक्वल है? टेंशन इज इक्वल टू 3 times वेट mg, गिवन है क्वेश्चन में, ठीक, गिवन है कि मैक्सिमम टेंशन किसके इक्वल है? मैक्सिमम टेंशन इज 3 times द वेट ऑफ द पेंडुलम, ठीक है यहां तक? व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल? आपको बताना है कि ज्यादा से ज्यादा ये पार्टिकल या ये पेंडुलम कितनी दूर जा सकेगा, ठीक। तो आपको थीटा बताना है, मैक्सिमम क्या कवर हो सकता है। तो जब ये पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो ये बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि फॉर एन इंस्टेंट इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो कोने के पोजीशन पे फॉर एन इंस्टेंट वेलोसिटी जीरो हो जाती है, काइनेटिक जीरो हो जाती है, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो, लोएस्ट पॉइंट है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि जब पेंडुलम नीचे आता है बहुत स्पीड से नीचे आता हुआ अपनी वेलोसिटी को कम करता है। तो सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन का पार्ट है तो इसकी नेट फोर्स कहां एक्ट करेगी? टुवर्ड्स सेंटर। तो जो क्या प्रोवाइड करेगी? सेंट्रिपेटल। तो सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स है? टी मैक्स। ऑपोजिट फोर्स कौन सी है? mg। इक्वेशन सर्कुलर मोशन की क्या बनेगी? टी मैक्स माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय रेडियस की जगह l। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर? यहां से mg राइट साइड पे आ गया। मैक्सिमम टेंशन किसके इक्वल गिवन है? 3 times वेट mg पुट कर दिया। mg में से ही mg गया तो 2 mg, mm कैंसिल, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। तो आपको यह पता लग गया कि यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू किसके इक्वल है? अंडर रूट ऑफ 2gl, क्योंकि हमने इक्वेशन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लगाई
तो वेलोसिटी भी कहां पर आई, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आई। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हमें मालूम पड़ गई। ठीक, इक्वेशन नंबर वन क्लियर है। अब एक काम करते हैं, हम एनर्जी कंजर्वेशन से भी वेलोसिटीज निकाल सकते हैं, सबको मालूम है कैसे। जब पेंडुलम यहां पे था और जब पेंडुलम यहां पे आया, पेंडुलम की ज्योमेट्री स्टैंडर्ड है। हमने कई क्वेश्चन पेंडुलम के किए, आप रिवाइज भी आज करके आए होंगे सर्कुलर मोशन, तो आपने नोट किया होगा जैसे ये एल है, ये एल है, तो याद है राइट एंगल ट्राइंगल लेके कॉस थीटा इज एक्स बाय एल, तो एक्स इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, स्टैंडर्ड है। मतलब इन टाइप की प्रॉब्लम में अगर आप मुझसे ये पूछो ना सर ये हाइट क्या होगी, मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा, सीधा बोलूंगा एल माइनस एल कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक? तो ये ज्योमेट्री आपको बनानी आनी चाहिए कि टोटल लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल है, ये एल है, ये थीटा है, तो एल कॉस थीटा, तो हाइट इज एच इज एल माइनस एल कॉस थीटा। तो जब पेंडुलम यहां पे था और यहां पे था, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल की वैल्यू इज सेम। तो बोलो यहां पोटेंशियल कितना है, एम जी एच, एम जी एच। काइनेटिक क्या होगी, जीरो जीरो। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एम जी एच, काइनेटिक जीरो। इस पॉइंट पर काइनेटिक कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल जीरो। तो मैंने क्या लगा दिया, एनर्जी कंजर्वेशन। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर सम ऑफ टोटल एनर्जी निकालो, एम जी एच तो होगी होगी, पोटेंशियल होगी, काइनेटिक क्या होगी, जीरो। और यहां पर क्या होगी, काइनेटिक होगी, पोटेंशियल क्या होगी, जीरो। इक्वेट करके एच की जगह क्या पुट कर लिया, एल माइनस एल कॉस थीटा, एम से एम कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी निकाल लेना, वी आ गया। एक वी हमने ऊपर निकाला था, एक वी हमने ये निकाल लिया, इन दोनों को इक्वेट कर लेना, सॉल्व करना, थीटा की वैल्यू आएगी जो कि क्या आ रही है, 90 डिग्री। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन में जो मुझे समझ में आता है सिर्फ दो ही चीजें हैं। पहली, आप इक्वेशन बनाएंगे फोर्सेस की, सेंट्रिपेटल की। दूसरी, एनर्जी कंजर्वेशन। जब भी पेंडुलम के क्वेश्चंस हैं उनमें इक्वेशन ही दो बननी है, एक फोर्स की और एक एनर्जी कंजर्वेशन की। बस आप दो तीन बार ये चैप्टर पढ़ लो, दो तीन बार तो पढ़ ही लिया होगा, बार बार सर्कुलर का टेस्ट हो रहा है तो आप नोट कर रहे होंगे वही चीज बार 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 रिपीट होती जा रही है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट 15th क्वेश्चन को मैं डिस्कस करना चाहता हूं। वैसे कितने लोगों को समझ में आ गया? आ गया, ठीक। मैं इसको डिस्कस करता हूं और देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक, देखो सबसे पहले लेट अस सपोज इस क्वेश्चन को नई तरीके से, मतलब ये क्वेश्चन है क्या, मैं या इस फिगर की जगह ना ऐसे समझाता हूं। मान लो ये आपके पास एक हेमिस्फेयर है, स्फेयर मानना है स्फेयर मान लो, हेमिस्फेयर मानना है हेमिस्फेयर मान लो, कुछ भी। क्वेश्चन है कि एक बॉडी है, इसको जेंटली आपने ऊपर से हिला दिया, फ्रिक्शन नहीं है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। ये बॉडी हेमिस्फेयर के साथ 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 चलनी स्टार्ट हो गई, फ्रिक्शन तो है नहीं, स्लाइड करती हुई नीचे आई। एक ऐसा पॉइंट आया, ये रहा वो पॉइंट, कि इसके बाद ये सीधा हवा में आ गई और सीधा टेंजेंशियली नीचे आते हुए यहां गिरी, यानी कि इसने हेमिस्फेयर का कॉन्टैक्ट छोड़ दिया। ठीक, यहां इसने हेमिस्फेयर का कॉन्टैक्ट छोड़ दिया। कोई डाउट इसमें? तो आपको ये बताना है, जब इसने हेमिस्फेयर का कॉन्टैक्ट छोड़ा तो बताओ उस केस में वो हाइट किसके इक्वल है, यानी कि ये जो हाइट देख रहे हो ये वाली, कि ये एच डिस्टेंस नीचे आ गई, लेट अस सपोज दिस इज एच, तो आपको ये एच बताने किसके इक्वल है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि एच की वैल्यू कैसे, एच की वैल्यू निकालनी है मुझे? ठीक, अब इस एच की वैल्यू को जो निकालना है इसको आर की फॉर्म में निकालना है, आर फॉर रेडियस है, तो ये पूरे का पूरा डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है, ये लो ये रेडियस है। ठीक है यहां तक? तो इस क्वेश्चन को करने की ज्योमेट्री, देखो एक चीज समझो कि क्वेश्चन हमेशा, जब कोई ऐसा क्वेश्चन नया क्वेश्चन आता है हर बच्चा है सोचता है या जब नहीं सॉल्व होता, यार मेरे को कैसे पता लगेगा ये ज्योमेट्री बनेगी। ये तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि वैसे मेरे को भी नहीं पता था ज्योमेट्री ऐसे बनती है पहली बार, पर जब मैंने ये क्वेश्चन को हर साल करना सॉल्व किया, अब मैं सोचता नहीं हूँ, मुझे पता है कि यार ऐसे होता है। तो ये प्रैक्टिस होती है, आपको टेक्निक्स अपने आप पता लगती रहेंगी बार 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 चीज़ों को देखने से, और आप अपने आप ही चीज़ों को सीख जाओगे। शुरू में मुश्किल लगता है, बाद में अपने आप यूज टू हो जाओगे। ठीक, तो सबसे पहले इसके अंदर लेट अस सपोज ये जो एंगल है, ये एंगल है,
ये सेंटर है, ये एंगल लेट अस सपोज कितना बन गया थीटा, कि लेट अस सपोज थीटा एंगल पे इस बॉडी ने अपना कॉन्टैक्ट छोड़ दिया, ठीक है यहां तक मान लेते हैं, हम थीटा को इलिमिनेट कर देंगे थोड़ी देर में। मान लो इस टाइम जब इसने अपना कांटेक्ट छोड़ा, उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या थी मुझे मालूम नहीं, वी वेलोसिटी थी, चला था कितनी वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी से, ठीक। तो कौन इसको नीचे लेके आ रहा है, एक काम करते हैं इसका वेट कितना है, एम जी, एम जी, अगर ये थीटा है तो ये कितना है थीटा, एम जी के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, एम जी कॉस थीटा और नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा, कोई डाउट इसमें, ठीक। इंक्लाइन प्लेन की तरह ही आप फील कर पा रहे होंगे क्वेश्चन, जैसे इंक्लाइन प्लेन में एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा, बिल्कुल वैसे ही, कोई डाउट इसमें। और एक और इसमें फोर्स एक्ट करेगी और वो क्या है, इसका नॉर्मल रिएक्शन, बॉडी को नॉर्मल रिएक्शन आउटवर्ड लगेगा, कोई डाउट इसमें, ये भी क्लियर है यहां तक मुझे। सिर्फ एक देखो, क्योंकि ये भी सर्कुलर मोशन का ही क्वेश्चन है, दो ही तरीके हमारे पास सॉल्व करने के, एक सेंट्रीपेटल और एक एनर्जी कंजर्वेशन, दोनों ही लगा लेते हैं। ये यहां से यहां तक सर्कल में घूम रहे हैं, तो इसका सेंटर कहां पर है, ये सेंटर मानते हुए ये घूम रहे हैं, तो इस क्योंकि सर्कल में घूम रहे हैं, इसके पास क्या होनी चाहिए, सेंट्रीपेटल, और सेंट्रीपेटल कहां एक्ट करती है, टुवर्ड्स सेंटर। बोलो सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, एम जी कॉस थीटा, कौन अपोज कर रहा है, नॉर्मल, तो नेट फोर्स क्या होगी, एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि नेट फोर्स कहां होनी चाहिए, टुवर्ड्स सेंटर, और ये प्रोवाइड करेगी इसे एम वी स्क्वायर बाय, कोई डाउट इसमें, ठीक। जब भी मैं ये बोलूं किसी भी क्वेश्चन में कि बॉडी ने अपना कॉन्टैक्ट छोड़ दिया जमीन से, तो समझो जमीन ने उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाना बंद कर दिया, एन इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, अगर मैं जंप कर दूं मेरा एन सबसे पहले क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्योंकि इसने यहां पर कॉन्टैक्ट छोड़ दिया तो एन क्या हो गया इसका, जीरो। तो पहली क्वेश्चन क्लियर है, एन जीरो करते ही हमारी वो इक्वेशन बन गई जब इसने अपना कॉन्टैक्ट छोड़ दिया होगा, क्लियर है यहां तक। अब दूसरी चीज क्या है इसमें, एनर्जी कंजर्वेशन। अब ये बताओ कि ग्राउंड कुछ भी ले सकते हो, मान लो ये मैंने ग्राउंड ले लिया, तो मुझे पता है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का सम और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का सम विल बी सेम, तो यहां पर पोटेंशियल बोलो क्या होगी, इसको ग्राउंड मानते हुए हाइट कितनी है h, तो क्या आएगा एम जी एच पोटेंशियल है, काइनेटिक यहां पर क्या होगी जीरो, पोटेंशियल यहां पर क्या होगी जीरो, काइनेटिक क्या होगी हाफ एम वी स्क्वायर, कोई डाउट इसमें, क्लियर है ये भी। तो आप चेक कर सकते हो, एक इक्वेशन n को जीरो पुट किया तो एक इक्वेशन क्या आ गई, एम वी स्क्वायर बाई आर इज एम जी कॉस थीटा, आप लिखना चाहो तो एक स्टेप ऊपर लिख सकते हो, mg cos theta minus n is mv square by r, वो लिखा नहीं सीधा कर दिया मैंने शॉर्टकट, तो पहले वो इक्वेशन आएगी, n को जीरो शो करो फिर ये इक्वेशन आएगी, ठीक। तो n को जीरो शो करो तो आपके पास v, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब एनर्जी कंजर्वेशन जब मैंने लगाया था तो आपने बोला था कि यहां पर एनर्जी कितनी है mgh और यहां पे एनर्जी कितनी है हाफ mv स्क्वायर, इन्हें इक्वेट करते हैं तो v की वैल्यू क्या आएगी 2gh का अंडर रूट, राइट। तो यहां पे वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2gh, तो एक काम करते हैं इस इक्वेशन में v की जगह क्या पुट कर लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 2gh cos थीटा, cos थीटा पे आ जाते हैं। अब मुझे ये पता है कि अगर टोटल डिस्टेंस r है ये h है तो ये कितना है r माइनस h है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा किसके इक्वल है, cos थीटा बेस r माइनस h डिवाइडेड बाई रेडियस आर, तो कॉस थीटा की जगह चेक कर सकते हो कॉस थीटा इज आर माइनस एच बाय आर, आर माइनस एच बाय आर, आर से आर कैंसल, इसे स्क्वेरिंग करो सॉल्व करो, सॉल्व करके आपके पास एच आएगा इज इक्वल टू व्हाट आर बाय थ्री, कोई डाउट इसमें।
पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट द पॉइंट इज कि एक या दो बार करने पे आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक,